की संख्या है 2010 रुपए के भाव पर। अगर कोई ये 2 महीने पहले अगर बोलता कि 2010 रुपए के भाव के शेयर है तो हम कहते कि आप तो बहुत लकी इन्वेस्टर हैं विवेक, लेकिन आप देखिए कितनी वोलेटिलिटी हो रही है। 1000 रुपये के नीचे ये लुढ़का, उसके बाद रिकवर करके 2100 रुपये के भाव तक गया, फिर से ये शेयर गिरा और अब 1400 रुपये के आसपास है। अडानी एंटरप्राइजेज, मुश्किल सवाल है व्यू दे पाना। अगर मैं पूछूंगा आपका व्यू क्या है, फिर भी क्या कहेंगे इनको अगर कोई सलाह देनी ही हो तो? यही अभिषेक, आप जैसे सवाल पूछे थे यही सोचा था मैं, क्या बोलूं, सेल बोलूं भाई बोलूं काफी काफी दिक्कत वाला सवाल है। लेकिन एक चीज अगर आप याद करो तो मैंने हर शो में जब भी अडानी पे सवाल आया मैंने यही कहा था कि मैं शेयर्स पे हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि वैल्यूएशन इतने स्ट्रेस्ड है, और वही हुआ और वो होना था एक ना एक दिन, अब मालूम नहीं था कि कैसे होगा। फाइनली बहुत बड़ा करेक्शन मिला है, लेकिन जब 1000 के आजू बाजू गया था ना, एक दिन लोअर सर्किट मारा था इसने 1017 रुपया, उस दिन काफी लोगों को मैंने एडवाइस किया था कि यहाँ पे लो और उसके बाद में 2000 तक वापस ये रिकवर भी दिया। मुझे लगता है कि ये वॉलेटाइल रहेगा थोड़े दिन, आपको पैनिक होके बेचने की जरूरत नहीं है, वॉलेटाइल रहेगा। और अब तक जैसे लोग करते हैं स्कैम स्कैम, मुझे स्कैम करके क्या है अभी तक किसी ने बराबर बताया नहीं है। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन था वो, अगर उसको स्कैम बोलते हो तो ठीक है वो स्कैम था, ओवर वैल्यूएशन जरूर था। और यहाँ पे भी ये नहीं है कि सस्ता हो गया, ठीक ठाक ओवर वैल्यूएशन है अभी भी, लेकिन अब मैनेजमेंट का फोकस इसमें आ गया है कि पूरे के पूरा ये लोग डेट क्लियर करने में लग गए। आपको ध्यान होगा 4-5 साल पहले रिलायंस स्टॉक भी ऐसे ही टूटा था और फिर मुकेश अंबानी ने फटाफट स्टेक बेचा गूगल को, फेसबुक को और कंपनी को, डेट फ्री कर दिया। अब मुझे लगता है कि अडानी मैनेजमेंट का भी यही फोकस रहेगा कि डेट क्लियर करो, और हम लोग देख भी रहेंगे लगातार वो लोग इस काम में जुटे हुए, तो स्टॉक वोलेटाइल रहेगा, बेचने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये लॉन्गर टर्म में आपको वापस रिटर्न दे सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, और स्कैम करके मुझे लगता है कुछ है।